Hello everyone, welcome to Dev Classes, where you learn the concept of physics. In the previous video, we have discussed about heating effect of current, and we know that electrical energy is converted into heat energy, and some part of electrical energy is converted into light energy. तो आप देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं applications of heating effect of current. All electrical heating appliances are based on heating effect of current. It means when we apply potential difference across a resistor and current flow in the circuit, then electrical energy converted into heat energy and some energy is radiated in the form of light. So, आप देख सकते हैं, there are some examples, just like a water heater, electric iron, geyser, toaster, room heater, heating coil, electric oven, electric kettle. So, these are some examples are based on heating effect of current. और ये हम अपनी daily life में देखते भी हैं. तो आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैंप, दिस अप्लायंसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. व्हेन अ मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट इज हीटेड टू अ हाई टेंपरेचर, एक हमको मेटल कंसीडर करना है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो. व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि जिस टेंपरेचर पर वो मेटल या फिर वो वायर हमारी पिघलना स्टार्ट हो जाए, इट मींस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए. At which temperature the wire becomes melt? At which temperature the metal becomes melt? This is the melting point, right? तो metal का high melting point होना चाहिए और high temperature तक हम उसको heat कर सकते हैं. It becomes white hot and emits light, right? तो वो hot हो जाएगा और उसके बाद light को emit करेगा. It must not melt at such high temperature. वो high temperature पे melt नहीं होना चाहिए. यदि वो मेल्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में लाइट को रेडिएट नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूज टंगस्टन जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट. जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट हम यूज करते हैं वो टंगस्टन का होता है. व्हाई? बिकॉज टंगस्टन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट पर वो हमारा मेल्ट नहीं होता है और वो हमको लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो कुछ पार्ट हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और सम पार्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ दिस हीट एनर्जी द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड. जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, तो इस हीट एनर्जी को प्रिवेंट करने के लिए, इसके लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम फिलामेंट को थर्मली आइसोलेटेड रखते हैं. क्योंकि यदि हीट एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाएगा और यदि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो हमारा जो मेटल है, हमारा जो वायर है वो हॉट नहीं हो पाएगी और फिर वो लाइट को रेडिएट नहीं कर पाएगी. द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस. इट मींस हम उन गैसेस को यूज करते हैं जो अक्रिय हैं, जो हमारी केमिकली इनएक्टिव होती हैं, जो केमिकली रिएक्शन नहीं करती हैं. टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए वी यूज नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में एक और एप्लीकेशन आती है जिसको हम फ्यूज कहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट. इट मींस ये सर्किट और अप्लायंस की प्रोटेक्शन करता है जब भी हाई करंट फ्लो करता है. द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस. जिस डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करना है हम उसके सीरीज में एक फ्यूज लगा देते हैं. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया है एट विच टेम्परेचर द मेटल और द वायर बिकम्स मेल्ट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट. तो हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ वायर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो मेटल का हो और एलॉय का हो, ठीक है, और उसी को हम फ्यूज कहते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, तो दिस इज द फ्यूज. द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एसएन टिन एंड पीबी लेड एलॉय बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. ये आपको ध्यान रखना है कि जो फ्यूज वायर हम यूज करते हैं उसमें हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. इट मींस कम टेम्परेचर पे वो हमारा मेल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है. तो आइए अब इसको थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं. तो आइए आगे देखते हैं. इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यूज फ्लोस थ्रू द सर्किट, इट मींस जब स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा करंट हमारे सर्किट में फ्लो करता है उस कंडीशन में क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है विद द डिवाइस. This melts the fuse wire and break the circuit. और यदि सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो उस कंडीशन में करंट आगे फ्लो नहीं करेगा.
और जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी. सपोज टीवी टेक्स 3 एम्पियर एंड द करंट विल फ्लो 4 एम्पियर इन द सर्किट. उस कंडीशन में क्या होगा, जो टीवी है वो हमारा डैमेज हो सकता है. व्हाई? बिकॉज द हायर करंट इज फ्लो इन द टीवी, राइट, क्योंकि उसको 3 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ्लो कितना कर गया 4 एम्पियर, राइट, तो टीवी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, राइट. लेकिन यदि हम वहां पे फ्यूज लगा दें, यदि हम वहां पे एक फ्यूज लगा देते हैं तो फ्यूज क्या करेगा, 3 एम्पियर से ऊपर जब करंट आएगा तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, और फ्यूज वायर के मेल्ट होने से जो आगे टीवी है वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा. तो फ्यूज वायर की प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूज वायर हमारा मेल्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 10,000-20,000 का टीवी तो बच जाएगा. आई बात समझ में? यदि हम फ्यूज वायर एक मेल्ट भी कर दें तो टीवी तो कम से कम बच जाएगा, हम वहां पर 3 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, राइट. यदि 3 एम्पियर से लार्जर करंट आता है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा और हमारा टीवी सेव हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये आपको समझना है. फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस आर रेटेड एज, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं उनकी रेटिंग होती है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर. डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के फ्यूज आते हैं. एंड इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन जिसकी पावर है 1 किलोवाट, ठीक है, इट मीन्स 1000 वाट, राइट, वोल्टेज 220 वोल्ट है. तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितने रेटिंग का फ्यूज यूज करना है. तो सबसे पहले पी इक्वल टू वी आई, आई इक्वल टू पी अपॉन वी, राइट. वाट इज पी, 1000, वाट इज वी, 220, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल. इतने करंट की रिक्वायरमेंट है, अब आप मुझे बताइए यहां पर हम कितने रेटिंग का फ्यूज यूज करेंगे. 4 एम्पीयर का कर नहीं सकते क्योंकि 4.54 एम्पीयर तो इसी को रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक ओवन को. इट मींस वी यूज फ्यूज ऑफ 5 एम्पीयर रेटिंग. तो आपको एक बात समझनी है कि यदि स्पेसिफाइड वैल्यू से लार्जर करंट हमारा फ्लो करता है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, राइट, इसलिए हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो आइए अब बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो जैसे कि आप जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, राइट. यदि पावर हम कंसीडर करते हैं किलोवाट में और टाइम कंसीडर करते हैं 1 आवर में, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर, राइट. सो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो 1 किलोवाट आवर में आता है, राइट. और इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल्ड 1 यूनिट, जैसे आपके घर में बिल आता है 250 यूनिट, 300 यूनिट, इट मीन्स वो 250 किलोवाट आवर आता है, राइट. तो आइए अब देखते हैं 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये आपको समझना है. 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर, लिख सकते हैं. 1 किलोवाट में हाउ मेनी वाट, 1000 वाट. 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, राइट. तो आप देख लीजिए 6 36 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10^5 वाट सेकंड, ठीक है. यदि हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो 3.6 10^6 हो जाएगा, ये यहाँ पे पावर इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस इज वाट सेकंड, राइट. आप देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, राइट. तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, राइट. वर्क डन की यूनिट जूल, पावर की यूनिट वाट और टाइम की यूनिट सेकंड. इट मीन्स वाट सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जूल लिख सकते हैं. सो 3.6 इंटू 10^6 जूल. सो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10^6 जूल. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किलोवाट आवर से, इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं, और यदि 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3.6 इनटू 10^6 जूल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर.